लेकिन हमने ये देखा भैया कि बाप कमाई में और आप कमाई में ना बहुत फर्क होता है। यह हमें एहसास तब हुआ कि जब हमने इज्जत मांगी हमें मिली नहीं, लोगों ने हमें कुछ समझा ही नहीं, और जो दोस्त यार मुंडे शुंडे घूम रहे थे इर्द गिर्द वो तो दमड़ी खत्म चमड़ी खत्म। तो जिस इंसान की जिंदगी में एहसास नहीं है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग का दर्द नहीं है कि मैं बिलोंग कहां करता हूं भाई, और जिसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग चैलेंज होती है वही इंकलाब खड़ा करता है। कोई जो मुतासिब होगा वो पंजाबी ही रहेगा, जो छोटा मेंढक होगा वो अराई रहेगा या कश्मीरी रहेगा या राजपूत रहेगा। एहसास होता है कि इंसान को कि मैं कहां बिलोंग करता हूं, कहां बिलोंग, वेयर डू आई बिलोंग। एहसास, दर्द, कर्ब, हम, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ऑगमेंटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दीज आर द वर्ड्स, तस्किया नफ्स, खुदी। तो जिसके पास ये होगा ना उसे पैंतरे चाहिए होते हैं जिंदगी में कुछ बनाने। जिस इंसान की जिंदगी में कोई मकसद नहीं, कोई गैरत नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई मिजाज नहीं, जट्टों वाला मिजाज नहीं उसका, खुद से कोई कलाम नहीं, कोई किताब नहीं, कोई ऐलान नहीं, कोई ऐलान नहीं, कोई एहसान नहीं, उसे फिर ये रस्तों की बातें, सफरों की बातें, मंजिलों की बातें, मकामों की बातें, इनकलाबों की बातें, तरकीबों की बातें, तदबीरों की बातें, ये तराकीब तदाबीर, ये मुहासिन, ये नहीं चाहिए होते उसको। उसको इल्म ही नहीं चाहिए जिसके पास कोई मंजिल नहीं है। इल्म का मुतलाशी तो वो होता है जिसके पास कोई मंजिल हो माइंड में, जो अपने आप को और अपने से जुड़ी हुई दूसरी रूहों को कहीं लेके जाना चाहता है। सरदार, अ किंग, अल्लाह कहता है ना इस मिजाज को, किसने कहा है बादशाहत कंडेम की जाती है? बादशाहत को कहां अल्लाह ताला ने जलील किया है? बादशाहत की तो कुल्लुकुम राइन, लीडरशिप की तो तारीफ करता है अल्लाह। अल्लाह का नबी कहता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयती, हर इंसान एक चरवाहा है, एक लीडर है, एक बादशाह है, और उससे उसकी रियाया का सवाल किया जाएगा कि भाई तूने अपने जिस्म, इस वजूद, इससे निकलती हुई किरणों के साथ कितनी दुनिया तूने हिलाई है, कितना कुंभ है बड़ा तेरा, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है तेरा जिंदगी, और यही छोटी छोटी पावर्स एक बड़ी सल्तनत बन के रियासत बनती है। जिस इंसान की जिंदगी में एक नजरिया है, कोई फलसफा है, कोई सोच है, एक खानदान है, एक घर है, नीचे बेटियां हैं, बहुएं हैं, बेटे हैं, पोते हैं, दोतरे हैं, नवासे हैं, टीम है, कुलीग्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कारोबार है, सिलसिला है, हाँ जो छड़ा छांड जिंदगी में ला इलाहा उलाई वाला मुजब्जबीन, इसकी कोई जिंदगी नहीं है, इसकी कोई कुछ है ही नहीं, बातें, यारियां, वक्त का ज़िया, एहसास ही नहीं है कि कैसे खानदान वाले चीर के रख देंगे, कैसे ससुराल दो रुपये का कर देगा, कैसे घर वाले टके की इज्जत नहीं करें, हाँ जिसके अंदर ये गैरत ही नहीं है, जिसको अपने बच्चियां का कोई एहसास नहीं, माँ बाप का एहसास नहीं, सिस्टम का एहसास नहीं, करे फिर फसना माशेता कर जड़ा फिर, तो अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने क्या है, इज़ा लम तस्ताही, अगर तेरे अंदर शर्मो हया और गैरत नहीं है तो फसना माशेता कर फिर, फिर कर जड़ा तेरा दिल करता है, फिर जो भी दिल करता है फिर कर, जहां बोलना है बोल, जहां फतवे देने हैं दे, कर जड़ा बिगाड़ करना है तू। जिन्होंने कुछ बनाना होता है उनकी तो एक एक लफ्जों में नजर होती है।